मथुरा पुलिस और एसओजी टीम की इनामी अपराधियों से हुई मुठभेड़। मुठभेड़ के दौरान घायल दोनों अपराधियों को किया गिरफ्तार। घायल बदमाशों को कराया अस्पताल में भर्ती। 25,000 का इनाम था इनके ऊपर। कब्जे से 2 तमंचा, 5 खोखा, 5 जिंदा कारतूस, पीली धातु का मंगलसूत्र और एक मोटरसाइकिल की बरामद। सरकारी शस्त्र लूट एवं पुलिस मजामत के अभियोग में वांछित थे 25,000 के इनामी। इस मामले में पहले भी अपराधी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मामला थाना मगोरा के लालपुर बम्बा के समीप का है। दिनांक 1 फरवरी को जब मगोरा पुलिस ग्राम बंडपुरा में दबिश के लिए गई थी, तो वहां के गांव वासियों के द्वारा पुलिस के साथ मुजाहमत की गई तथा पुलिस की पंप एक्शन गन लूट ली थी। इसके संदर्भ में मुकदमा कायम हुआ था। आज पुलिस को सूचना मिली कि ये जो लालपुर बम्बा रोड है, इस पर उस मुकदमे के वांछित अभियुक्त किसी अन्य वारदात की फिराक में आने वाले हैं। इस सूचना पर मगोरा पुलिस और एसओजी की टीम के द्वारा वहां पर चेकिंग आरंभ करी गई। एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग आते दिखाई दिए। जब पुलिस की टीम के द्वारा उनको रुकने का इशारा किया गया, तो उनके द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। इस पुलिस की टीम के द्वारा आत्मरक्षा जवाब भी फायर किया गया। इसमें से एक बदमाश नरेंद्र के पैर में गोली लगी है तथा दूसरे बदमाश नरेश के हाथ में गोली लगी है। इन दोनों बदमाशों पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित है। इनका एक अन्य साथी विष्णु मौके से फरार हो गया था। इन घायल बदमाशों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया इलाज के लिए। मौके से एक मोटरसाइकिल, 2 कट्टे, कारतूस और महिला का लूटा हुआ मंगलसूत्र बरामद हुआ है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।